पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 BHK 2 BHK और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 acre 7 story 6 tower में बना है विथ बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर्स के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ईद का त्यौहार है, ये खुशियों का त्यौहार है। ईद के मौके पर टीम आवाम की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है जिससे गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल गई है। लोग ईद के मौके पर लाखों हजारों रुपए की शॉपिंग करते हैं मगर रेलवे स्टेशन और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बेसहारा बच्चे जो ईद के मौके पर नए कपड़े चप्पल वगैरह से मोहताज रह जाते हैं मगर टीम आवाम ने इन बच्चों के लिए चांद की रोशनी बनकर सामने आई और इन नन्हे नन्हे बच्चों को कपड़े चप्पल और इन्हें ज़रूरत के सामान दिलाकर इनकी शॉपिंग कराई है और अब इन बच्चों के चेहरे पर झिलमिल सितारों की तरह रोशनी खिल गई है। उम्मीद है कि आप लोग भी इस ईद को इस तरह से फुटपाथ और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बेसहारा बच्चों के लिए ईद के मौके पर एक उम्मीद की किरण या यूँ कहें कि रोशनी बनकर सामने आएंगे और इनके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। हमारे शहर में 50 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो रास्ते पर साल के 12 महीने खैरात मांगते हैं और रास्तों के बीच में या फिर प्लेटफॉर्म पर या किसी फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। इनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बहुत सारे के माँ बाप नहीं होते, जिनके वालिद होते हैं वो नशे में मुब्तला रहते हैं। ऐसे बच्चे कभी ईद नहीं मनाते, इनके साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते। तो हमने हमारी टीम जो फीमेल टीम है इन्होंने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद हमारे पास जितने फंड्स थे उस हिसाब से हमने तकरीबन 15 से 20 बच्चों को हमने ईद की शॉपिंग कराई। ये काम हम लोग पिछले 2-3 साल से करते आ रहे हैं और शहर के लोगों से हमारी अपील रहती है कि हमारे शहर में बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, काफ़ी सारे मोतबर और ज़िम्मेदार लोग हैं जो अलग अलग सेक्शन में काम करते हैं। ये एक सेक्शन है बेघर बच्चों का, बेघर लोगों का, जिस पर हम सबको मिलकर एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए और ऐसे बच्चे जो ना तालीम से महरूम है, ऐसे बच्चे जो घर से महरूम है, ना उनके पास कपड़े हैं, ना उनके पास कोई फ्यूचर है, ऐसे बच्चों के लिए कोई रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम रखना चाहिए। शुक्रिया।